हेलो आईट्यूबर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैं आपके लिए लेके आता हूँ कुछ बेहतरीन इकोनॉमिक टर्म्स, कुछ बेहतरीन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इसी सीरीज़ में आज की वीडियो में जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ वो है कुज़नेट कर्व। इससे पहले भी हमने फिलिप्स कर्व और लॉरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे पीडीएफ कॉपी, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारे प्लेनेट और एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। ना सिर्फ एनवायरनमेंट को, बल्कि रिच और पुअर के बीच में भी बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी हो गई है। दोस्तों, ये है साइमन कुज़नेट, एक रशियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। इन्होंने हमें एक हाइपोथेसिस दिया जिसे हम कुज़नेट हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं, और उसके बेसिस पे इन्होंने हमें कर्व दिया जिसे हम कुज़नेट कर्व के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कुज़नेट हाइपोथेसिस कैसे काम करता है। दोस्तों, जैसा कि आप कुज़नेट कर्व में देख सकते हो, इसके एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे इनइक्वालिटी लिया हुआ है। स्टार्टिंग फेज में जब इंडस्ट्री ग्रो करती है तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होता है और तो इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद पर कैपिटा इनकम राइज होता रहता है लेकिन इनइक्वालिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कुज़नेट का ये कहना है कि जब इंडस्ट्री स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट होती है तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जिसके पास पहले से ही काफ़ी कैपिटल होती है। वो लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अर्बन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती हैं, तो रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ लोग माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लेटर फेज में डेमोक्रेटाइजेशन की वजह से और वेलफेयर स्टेट के द्वारा ली गई पॉलिसीज की वजह से यह इनकम इनइक्वालिटी डिक्रीज होने लगती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम लगातार राइज होती रहती है। तो फ्रेंड्स, लेटर फेज में कुज़नेट कर्व को मॉडिफाई किया गया जीन ग्रॉसमैन और एलन क्रूगर की वजह से। बाद में इस मॉडिफिकेशन से जो कर्व सामने आया उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व। बाद में वर्ल्ड बैंक में भी इसको काफी बड़े पैमाने पर यूज किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व का पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओरिजिनल कुज़नेट कर्व का है। इनिशियल फेज में जब जीडीपी पर कैपिटा ग्रो करता है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ग्रो करता है, लेकिन एक फेज के बाद जीडीपी पर कैपिटा इनकम ग्रो करता रहता है लेकिन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो जाता है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, या तो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई हो या फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज ली हों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कॉजेज के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कुज़नेट कर्व ये हाइपोथेसिस प्रूव करता है। एम्पेरिकल एविडेंस से पता लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो वहाँ पर पोल्यूशन का लेवल भी कम होता रहता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यूएस का एग्जाम्पल लूँ तो टेक्नोलॉजी ग्रोथ की वजह से, इनकम ग्रो करने की वजह से वहाँ पे व्हीकल्स की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल एयर पोल्यूशन वहाँ पे कम हो गया है। और स्पेशली अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से करूँ, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे पोल्यूशन के एमिशन को लेकर ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशंस लगाए हुए हैं। स्पेयर इनकम विद ग्रोथ। दोस्तों, जब काफ़ी इनकम हाई हो जाती है तो लोगों के पास अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के बाद काफ़ी पैसा वो लोग सेव कर लेते हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान देने लगते हैं और वो चीज़ों के लिए हाई प्राइस पे करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर बेटर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होने लगता है, बिकॉज हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है और जिसमें कम रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अगर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो 1950s और 1960s में जो कारें बनती थी वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करती थी और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करती थी, लेकिन आज के टाइम में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ही कम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा माइलेज मिल सकता है और इंजन काफ़ी कम पोल्यूटेंट्स एनवायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि जब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होती है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है। सोलर एंड रीन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों, हाई जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो इसका सीधा सीधा सा पोटेंशियल हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम सोलर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। रीसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से सोलर एनर्जी को लगाना, उसे एस्टेब्लिश करना काफ़ी सस्ता हो गया है। इसकी वजह से सोलर टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और ओवरऑल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो रहा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग फेज में इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लेटर फेज में हम लोग सर्विस सेक्टर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ अमेरिका और यूके का, अभी उन इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का शेयर उनके जीडीपी में कम होता जा रहा है और सर्विस सेक्टर का शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ये हम सभी को पता है कि सर्विस सेक्टर एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम पोल्यूशन क्रिएट करता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, दोस्तों जी को जब इकोनॉमी फर्दर ग्रो करती है तो गवर्नमेंट का रोल भी इंक्रीज होने लगता है। गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्री पे ज़्यादा रेगुलेशन लगाती है, टैक्सेस लगाती है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, और दूसरी इंडस्ट्री को जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं उनको बहुत सारा इंसेंटिव भी दिया जाता है। इसकी वजह से जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो हमारा एनवायरमेंटल डैमेज भी कम होने लगता है। दोस्तों क्यूजनेट एनवायरमेंटल कर्व को बहुत सारी फ्रंट पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। चलिए थोड़ा इसे क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पोल्यूशन सिर्फ इनकम का फंक्शन नहीं है जैसे क्यूजनेट कर्व में दिखाया गया है, दूसरी चीज़ें भी, दूसरे फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, वहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी हैं या वहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसा है। ग्लोबल पोल्यूशन, दोस्तों बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर की तरफ जो है शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो रहा है। जैसे यूके, यूएस, कनाडा और दूसरी कंट्रीज़ का हम अगर एग्जाम्पल दें, यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हो रहा है, लेकिन ये कंट्रीज़ बहुत सारा सामान बाहर वाली कंट्रीज से इम्पोर्ट करती हैं जहाँ पे पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक जगह पोल्यूशन लेवल कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे पोल्यूशन कम हो रहा है। बहुत सारी हाई इनकम कंट्रीज में डिफॉरेस्टेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन एंड रेगुलेशन पॉलिसीज, लेकिन ये बहुत सारा मीट और फर्नीचर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से वहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। दोस्तों हाईएस्ट जीडीपी वाली कंट्री सबसे ज्यादा CO2 एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से वहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम हुआ है। जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं तो वहां पे पर कैपिटा CO2 एमिशन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइना, इंडिया या दूसरी कंट्रीज। तो इन सारे फैक्टर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व हर जगह पे प्रूफ नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट मिलता रहे। प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।